चलो भाई नीचे आ जाने दो यार। नीचे सर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर परिवार से क्या बात हुई आपकी? परिवार के साथ सहानुभूति रखते हुए सरकार के मंत्री माननीय मंत्री जी आशुतोष टंडन जी, सारे वरिष्ठ अधिकारी दोपहर से ही वार्ता कर रहे हैं और दोपहर से वार्ता करने के बाद परिवार के द्वारा एक मांग पत्र बनाया गया था, वो मांग पत्र लिया गया। तीन मांग थी, तीनों पे कार्रवाई करने का आश्वासन माननीय मंत्री जी के द्वारा यहाँ मुख्यमंत्री जी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर दिया गया, लेकिन परिवार की मांग थी कि जो नौकरी का बिंदु है उसके बारे में स्पष्ट विभाग सहित बताया जाए कि किस विभाग में नौकरी लगेगी, और ये मांग की गई थी कि लिखित में दिया जाए। इन सब चीज़ों को हालांकि समझाया गया परंतु परिवार एडमेंट रहा। उसके बाद भी सारी चीज़ों पे गौर किया गया, विचार विमर्श किया गया, विभागों से बात की गई, कुछ विभागों में जहां वैकेंसीज थी उनमें बात की गई, नगर निगम में फाइनली वैकेंसी डिसाइड करते हुए वहां पे जो नौकरी है उसकी मांग को प्रशासन के द्वारा स्वीकार किया गया है। मुआवजे की जो मांग थी उसमें 10 लाख रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन के द्वारा स्वीकृत किया गया है। जो CBI जांच है उसके बारे में स्पष्ट कहा गया है कि परिवार मांग करता है तो इसकी संस्तुति CBI को भेजी जाएगी। 30 दिन में सारी मांग पूरे कराने का इनका प्रस्ताव था, इसी प्रार्थना पत्र में वो 30 दिन की मांग का भी लिखा गया कि सारी व्यवस्थाएं 30 दिन में कर दी जाएंगी। ये हस्ताक्षरित हम लोग जो इनकी मांग है उसकी पूर्ति करने का आश्वासन दे रहे हैं। बड़ी